इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुंबई के जुहू चौपाटी में। अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से समुद्र की लहरें उठ रही है। देखिए जिस तरह से मानसून आया, बरसात आई है, उस तरह से देखिए यहाँ पे अगर आप आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा जो बैरिकेड यहाँ पे लगा दिया गया है। देखिए सुरक्षा के दृष्टि से सारा बंद किया हुआ है ताकि पर्यटक जो है आगे ना जाए। देखिए जो बहुत सारे पर्यटक होते हैं, सैलानी होते हैं, वो मस्ती करते हुए आगे चले जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना करते हो, दुर्घटना ना हो इसलिए यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त है। बैरिकेड से हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हो आप? सांता क्रूज से आए हो? तो देखिए ये बंद करके रखा है, इसे मायूस हो आप? नहीं, सेफ्टी के लिए सही है ना? सेफ्टी के लिए सही है बिल्कुल। आप कहाँ से आए हो? नाला सुपारा से। तो जू देखने का मन था आपका, घूमने का मन? देखने की इच्छा था बस, दो तीन बजे तक ऐसे ही बंद रहेगा, उसके बाद खुलता है गेट, सेफ्टी के लिए बंद कर देते हैं। जी, देखो क्या होता है, बच्चे लोग आते हैं, मुंबई के बाहर से जो लोग आते हैं वो अंदर चले जाते हैं, डूबने की आशंका होता है, इसलिए ये गवर्नमेंट ने, पुलिस ने जो है, प्रशासन ने बंद करके रखा है। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? हाँ सही है, अपने सुरक्षित के लिए सब सही है। तो देखिए लोगों का भी यही कहना है कि सेफ्टी पहले होनी चाहिए, सुरक्षा पहले होनी चाहिए। और ये जो बैरिकेड्स है इसके वजह से जो लोग हैं जिनको नहीं पता, जो लापरवाही बरतते हैं, वो यहाँ पे आके रुक जाएंगे, वो समुद्र का मजा तो ले पाएंगे लेकिन अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मानसून का वक्त है, किसी भी वक्त मुंबई में हाई टाइड हो सकता है। अगर इसमें बरसात हुई तो देखिए डूबने का खतरा होता है, वो खतरा ना हो इसीलिए ये बंदोबस्त है। मैं सुनील सोटिंगे, मेट्रो मुंबई न्यूज के लिए। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।